नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मिलिए एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट 2023 से। इसका ये शार्प प्रो वेरिएंट रहने वाला है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा वेरिएंट ऐड ऑन हो चुका है सेवी प्रो, जिसमें आपको एडास के फीचर मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम के आते हैं सेफ्टी पॉइंट है उसे, खासतौर पर फॉगी सीजन में ना वो चीज़ें एक एक्सक्लूसिव सेफ्टी देती हैं आपको। सबसे पहले तो इसकी लुक की अगर बात की जाए तो साइड में आपका लेफ्ट साइड में जो है वो प्री फेसलिफ्ट वाला वर्जन है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि रोड प्रेजेंस में कितना ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा आपको। तो फ्रंट में जो ग्रिल है वो ऊपर से नीचे तक एक कंप्लीट कर दी गई है। पहले दो पार्ट में आती थी आपकी, मेन ऊपर लोगों के साथ, नीचे रेडिएटर की अलग मिलती थी, लेकिन इसमें रेडिएटर से लेके ऊपर इंजन कूलिंग के लिए सेम ग्रिल है। डायमंड नर्लिंग के साथ है ये, काफ़ी ज़बरदस्त पैटर्न है और क्रोम फिनिशिंग में है। इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त है, रोड प्रेजेंस अलग से दिखाई देगी इस गाड़ी की। कोई भी गाड़ी वर्तमान में सेगमेंट की ऐसा लुक आपको देगी नहीं। हालांकि जो हेडलैम्प का सेटअप है वो सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी हाउसिंग यहाँ पर भी चेंज कर दी गई है। असल मायने में जो फेसलिफ्ट बोला जाता है वही है ये दोस्तों। एमजी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इंटीरियर एक्सटीरियर पे, और ये जो गाड़ी पहले भी काफ़ी ज़्यादा आधुनिक दिखाई देती थी और अब तो कह सकते हैं कि श्रेणी में कोई भी गाड़ी इसका लुक के मुकाबले नहीं कर सकती है। एमजी का काफ़ी शानदार लोगो मिलता है आपको। ये वाला जो वेरिएंट रहने वाला है ये पेट्रोल के साथ मैनुअल का टॉप मॉडल है, जो कि 19,45,000 रुपये एक्सशोरूम प्राइस मिलेगा आपको। अब नज़दीक से दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपका मेन डीएल का सेटअप है वो बाई फंक्शनल है, ये आपका एलईडी के तौर पे डीएल काम करेगा और इसी को जब आप टर्निकेटर के तौर पे यूज़ करेंगे तो इसमें एक बहुत बेहतरीन तरीके से डायनेमिक लाइट जलती है जो ज़बरदस्त दिखाई देती है। ये क्रोम का पार्ट देखिए कितना ज़्यादा है। बहुत से मेरे साथियों को लगता है कि क्रोम बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन इस गाड़ी में बड़े स्मार्ट तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लोअर हाफ में देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है, बहुत बेहतरीन काम किया है भाई सच मायने में। अगर ओल्ड की बात की जाए तो फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। हालांकि ये शाइन वेरिएंट है, लेकिन फ्रंट का जो लुक है टॉप मॉडल से लेके यहाँ तक सेम ही दिखाई देता था, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। बाकी जो टायर का साइज है स्मार्ट वेरिएंट से ही आपको 18 इंच के मिलने लगे हैं, अब उससे नीचे वालों में 17 इंच के मिलेंगे। और ये जो मशीन कट अलॉय व्हील है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देते हैं। हालांकि इसकी प्रोफाइल आपको आमतौर पर देखेंगे तो कम दिखाई देगी, 215/55 की रहती है, 215/55, तो 55% थिकनेस वैसे तो कम होती है, लेकिन इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है ना दोस्तों सेगमेंट की सबसे बेहतरीन में से एक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको आएगी नहीं। 192mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है दोस्तों, इसमें कोई भी फर्क देखने को मिलेगा नहीं आपको। मॉरिस ग्रेजी की बैजिंग दी गई है साइड में जबरदस्त तरीके से क्रोम फिनिशिंग में। यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं आपको जो ORVM है, और ज़बरदस्त तरीके का साइज है इसका, पीछे का व्यू लाजवाब मिलेगा आपको। मैं इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट में, एकदम से थड़के आवाज जो आती है ना वहीं से आपको पता चल जाता है कि जो मेटल सीट की इस्तेमाल में लाई गई क्वालिटी वो लाजवाब है। यहाँ पर भी एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, जो विंडो लाइनिंग है ये भी एक लुक को लिफ्ट करती है। आपको जो रूफ रेल है वो भी ज़बरदस्त मिलते हैं, 50 kg तक का लोड आप कैरियर के माध्यम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको बेसिक से मिलता है तो ये चीज़ें कोई परेशानी में आपको डालेंगी नहीं। लंबे ट्रिप पे आप जाएंगे तो बूट वैसे भी 587 लीटर काफ़ी बड़ा है, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा लगेज यदि बच जाता है तो आप टॉप के ऊपर कैरियर के माध्यम से ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। पीछे का जो लुक है यहाँ पर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, जो लोअर बम्फर है वो पहले से थोड़ा सा प्रोपोर्शन वाइज अच्छा नहीं दिखता था दोस्तों, देखिए पहले वाला लुक था इसको भी चेंज कर दिया गया है काफ़ी शानदार तरीके से। दो फेक एग्जॉस्ट टाइप की जो डिज़ाइन दिए गए हैं काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी आपको लगेगी जब ध्यान से देखेंगे ना, जो इसकी एग्जॉस्ट पाइप है नीचे की तरफ ये देखें, ये थोड़ी सी काफ़ी बड़े डाया की और ये अलग से दिखाई देती है। इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हाइड कर दिया जाता तो लुक और बेहतर दिखाई देता दोस्तों। पहले आप देखिए पहले वो स्ट्रेट थी, अब उसको हाइड करके थोड़ा सा नीचे की तरफ उसका चेहरा कर दिया गया है, थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखाई देता है, ये और बेहतर हो सकता था। नेक्स्ट जो चेंज है दोस्तों, पहले जो आपको ओल्ड जो हेक्टर थी यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच का जो एलिमेंट था वो ब्लैकआउट था और दोनों तरफ आपको एलईडी पार्ट मिलते थे, इसको भी अब चेंज कर दिया गया है। आप देखिए पूरी एक कॉन्टिन्यूस लाइट मिलती है आपको बीच में, हम जिसको ब्लेड का डिज़ाइन बोलते हैं, और काफ़ी यूनिक और अच्छा दिखाई देता है दोस्तों। आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है ना, ये लुक वास्तव में काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिफ्ट करता है। पीछे से रोड प्रेजेंस ज़बरदस्त दिखाई देगी आपको, हेक्टर की काफ़ी बड़ी बैजिंग है, पहले वो छोटी मिलती थी कॉर्नर पर अब काफ़ी बड़ी दिखाई देती है दोस्तों। यहाँ कैमरा मिलता है, वाइपर, वॉशर, डिफोगर, शार्क एंटीना, फीचर्स पॉइंट टू से इस गाड़ी का कोई भी मुकाबला नहीं है, जैसे वीडियो मैंने स्टार्टिंग बताया था। एक और बेहतरीन चीज़ ऐड ऑन है, हालांकि टॉप मॉडल में देखिए आपका जो है पावर टेलगेट मिलने लग गया अब आपको, काफ़ी बेहतरीन बात है। मुझे डाउट है कि पहले भी मिलता था नहीं मिलता था, लेकिन अब जरूर मिलता ही, आपके सामने मैंने दिखाई दिया है। और जैसे मैंने बताया इसका जो बूट स्पेस है 5-सीटर गाड़ी होने के बावजूद इसमें ज़बरदस्त बूट स्पेस मिलता है, कितना भी आप सामान रख लीजिए कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। यहाँ आपको बूट लैंप मिलता है वाइट लाइट के तौर पे,
और यह मैनेजमेंट भी जबरदस्त है दोस्तों, कितने सारे हिडन स्पेसेस मिलते हैं, काफी सामान यहाँ रख सकते हैं आप। वूफर की जो अरेंजमेंट है बड़े बेहतरीन तरीके से की गई है वो। यहाँ कुछ नट वगैरह दिया गया है क्योंकि जो स्पेयर व्हील है आपको बॉडी के नीचे मिलता है, तो यहाँ से लूज आउट करके आप स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं। ये भी अलग तरीके से दिया गया है थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से अपने बूट को आप, माफ कीजिए, स्पेयर व्हील को एक्सेस ले सकते हैं नट को लूज आउट करके। जो बोर्ड की क्वालिटी वगैरह है, डबल पार्ट में आपको पार्सल ट्रे मिलती है क्योंकि जो ये सीटें हैं ना दोस्तों रिक्लाइनेबल है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो थोड़ा सा और आरामदायक पोजीशन में आप बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं। इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हैं यदि आपकी हाइट ऊपर या ज़्यादा या कम है ना उसके हिसाब से। अब पीछे डोर को देखिए, एक्स्ट्रा डैम्पिंग से इसकी जो साउंड एंडरिंग है ना जबरदस्त है। अंदर जो कैबिन है काफ़ी इंसुलेटेड फील होता है वो, बाहर की आवाज़ कम से कम फिल्टर होती है अंदर की तरफ। ये आइवरी कलर का जो इंटीरियर है या बेज कलर का है, इसने इसके एम्बियंस में 4 चांद लगा दिए हैं। हाँ, ये मेंटेन करना जरूर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जो ब्राइटनेस का फील होता है ना वो ज़बरदस्त है दोस्तों। यहाँ स्पीकर का जो लेआउट है उसके आसपास भी सिल्वर फिनिश दी गई है, ये भी लाजवाब, ये नया है कुछ। यहाँ पर आप देखिए परफोरेटेड लेदर का इस्तेमाल किया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, इन्फिनिटी की बैजिंग है क्योंकि इन्फिनिटी का जो म्यूजिक सिस्टम है एजिटीज मिलेगा आपको और ज़बरदस्त साउंड आउटपुट है इसका, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगती थी पहले वो एजिटीज मेंटेन है दोस्तों, अंडर थाई स्पेस थोड़ा सा कम महसूस होता है। मेरी जो हाइट है 5'10" है और जो मैंने अंदर बैठ के देखा थोड़ी सी नीचे बैठता हूँ मैं, वो चीज़ अभी रिजोल्व नहीं हुई है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा ऊपरी तरफ हो सकता था इन सीटों का, थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल रहती। बाकी किसी प्रकार का कोई टनल वगैरह नहीं है तो 3 बंदे आसानी से बैठ सकते हैं। एसी के जो वेंट्स उसका डिज़ाइन भी चेंज किया गया है। नीचे आपको चार्जिंग के लिए एक USB A टाइप का सॉकेट मिलता है और यहाँ आप देख रहे हैं या सिंपल USB टाइप है दोस्तों ये। यहाँ चार्जिंग के समय मोबाइल फ़ोन का आप रख सकते हैं। ड्राइवर साइड आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। परफोरेटेड लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है, ये मुझे लगता है थोड़ी सी और बेहतर हुई है दोस्तों। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा कप होल्डर के साथ और इसकी विड्थ भी अच्छी है। 3 बंदों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। ये टॉप वेंट है तो पूरे एयरबैग भी भर भर के दे रखे हैं इसमें। सेफ्टी जैसे मैंने बताया ना, मेटल सीटें इतनी अच्छी है दोस्तों, एकदम टैंक वाली फीलिंग आती है। ये जो लाइटें हैं कैबिन की, ये आपको व्हाइट लाइट मिलती हैं, देखिए फ्रॉस्टेड व्हाइट लाइट है ये, थोड़ी सी आपको अलग तरीके दिखाई देगी, बाकी सेगमेंट गाड़ियों में ऐसी नहीं मिलती है। अब वहाँ चलते हैं जहाँ सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा आपको इंटीरियर में, ड्राइवर सीट पे। पहला जो प्री फेसलिफ्ट था उसका इंटीरियर देखिए कैसा मिलता है आपको। इसमें सिंपल आपको स्क्रीन मिलती थी पोर्ट्रेट शेप की, और अब देखिए कैसा मिलता है। जो डोर की ओपनिंग है वो बड़ी शानदार है, काफ़ी वाइड ओपन होता है तो इंग्रेस एग्रेस करते समय आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। यहाँ पर लेदर की पैडिंग बहुत शानदार तरीके से दी गई है। सभी पावर विंडो कंट्रोल जो है बेहतरीन तरीके से प्लेस किए गए हैं। वो बोटल होल्डर के लिए स्पेस भी लाजवाब है, कुछ और निकनेक्स भी रख सकते हैं साथ में। जो ड्राइवर सीट है पावर्ड मिलती है आपको। अब बैठते हैं गाड़ी के अंदर और वहाँ से लुत्फ़ उठाते हैं बाकी चीज़ों का। जो पैडलों के बीच की स्पेसिंग आप देखिए कितनी शानदार है, और एम्बिएंट लाइट अभी ब्राइट अप हो रही है अलग अलग तरीके से, ये एक लॉन्च वाली फीलिंग देगी आपको इतने अच्छे तरीके से। ये एक्सक्लूसिव फीचर रहने वाला है दोस्तों। डेड पैडल मिलता है आपको, ये भी अच्छी बात है। जो लाइट है देखिए यहाँ से कलर चेंज कर रही है वो धीरे धीरे, अब ये ब्राइट अप हो जाती है भाई। इसकी बेहतरीन 14 इंच की पोर्ट्रेट शेप में क्लास लीडिंग या सेकेंडरी सबसे बड़ी टच स्क्रीन, और ये अलग ही लेवल की फीलिंग है दोस्तों। आप देखिए इसकी जो क्वालिटी है डिसेंट है, बस थोड़ा सा रिस्पांस मुझे लगा है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड डिले है, लेकिन फीचर एंड फंक्शन इतने सारे हैं। आप यहीं से जो सनरूफ है बड़ी सी आपकी पैनोरामिक सनरूफ मिलती है ना, उसको ओपन कर सकते हैं, कितनी ओपन करनी है वो भी इसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 1 टच पे है, नीचे दिए गए हैं मैनुअल बटन। मैनुअल तो नहीं टची है, ये पूरी टची स्क्रीन है एक तरीके से। हाँ, यूज टू होने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा है ना दोस्तों कि ज्यादा आपको ध्यान डाइवर्ट करना नहीं पड़ेगा मूव के टाइम पे। एसी वगैरह कंट्रोल वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे नीचे, प्लस माइनस आप कर सकते हैं। देखिए पीएम जो फिल्टर है 2.5 का, वो भी जबरदस्त है, आपको काफी शुद्ध हवा मिलेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए 79 है, तो काफी ठीक ठाक है, बाहर के मुकाबले तो काफी ठीक है दोस्तों। तो पूरे तरीके से जो गाइड करने के लिए मैप, इसका डिस्प्ले का जो एसी का जो आता था ना पहले वाला प्री फेसलिफ्ट में, वो भी चेंज हो गया, वैसा मिलेगा आपको एसी का जो लेआउट है। मजा ही आ जाता है दोस्तों, 1 टच पे आपका गाना बजाना है, मैप्स वगैरह है, मैं वाह भाई वाह। सॉफ्ट टच मिलता है आपको ऊपर भी, पहले हार्ड मिलता था, अब ये सॉफ्ट हो चुका है, ये भी एक अच्छी बात है। जो आपका ग्लो बॉक्स है, कूलिंग का लिए तो कोई लेआउट तो नहीं दिख रहा है, कटआउट नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन डिसेंट साइज का है, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं, नहीं मिलता है कूलिंग का दोस्तों। ये रहा यहाँ पे रोटर, इसके माध्यम से आप कूल कर सकते हैं।
बीच में आपको जो की फोब है हल्का सा उसका डिजाइन चेंज किया गया है। ये की फोब मिलती है आपको, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए डेडिकेटेड बटन है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। जो पैसा आपसे कंपनी डिमांड कर रही है ना दोस्तों, वो आपको फील भी होगा। देखो ज्यादा ये गाड़ी मेरे हिसाब से मैनुअल पेट्रोल में 21 लाख के आसपास कॉस्ट करेगी आपको, 21 या 22, तो पैसे वर्थ है दोस्तों। क्योंकि इतने सारे फीचर फंक्शन, इतना अच्छा फील गुड फैक्टर, इस सेगमेंट की दूसरी कोई भी गाड़ी आपको देगी नहीं। पूरा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है, देखिए कितनी सारी जानकारी है इसमें, बिल्कुल जबरदस्त। यहाँ से देखिए ये लेफ्ट साइड में मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ तो बाकी जानकारी आपकी चेंज होती जाएंगी, टीपीएमएस वगैरह सब कुछ, रेंज वगैरह एवरेज सब कुछ देख सकते हैं। अब एक और अच्छा ऐड ऑन हुआ है फेसलिफ्ट में, जो पहले बटन यार इकोनॉमी के लिए थोड़े से बैड पोजीशन थी ना, वो उसको चेंज करके बेहतर पोजीशन कर दी गई है। अब वेंटिलेटेड सीट वगैरह के, ईएसपी ऑन ऑफ करने के, एसी मैक्स में चलाने के, हैजार्ड लाइट के सभी बटन यहाँ मिलते हैं गेयर लीवर के आसपास, जो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर पोजीशन है दोस्तों। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड दिखाई देता था पहले, वो बगल में जो दे देते थे मेन कंसोल के। 6 स्पीड का गेयर बॉक्स है, पेट्रोल का तो क्लच और गियर बॉक्स अल्ट्रा स्मूथ है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। बस थोड़ी सी माइलेज ये दी, क्योंकि ड्राइविंग इतनी ज्यादा नहीं है तो पेट्रोल वर्जन लेना ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। अब ये जो आर्मरेस्ट है इसकी लेंथ ही बढ़ा देगी आगे की तरफ से, हालांकि स्लाइड तो नहीं होता ये, लेकिन एल्बो इस पर रेस्ट करके आपका हाथ आसानी तक गियर लीवर तक पहुंच जाता है। तो ये भी एक एर्गोनॉमिक जो इश्यू था उसको ठीक कर दिया गया है। इसके नीचे स्पेस मिलता है, साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट ही मिलता है। स्पेस सिर्फ वैलेट रखने तक ही सीमित रहेगा, ज्यादा बड़ा स्पेस नहीं है। जो IRVM है वो अब ऑटोमेटिक मिलता है आपको, यहाँ सनग्लास होल्डर मिलता है, अच्छी लाइटें हैं, बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है, आपको लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिलता है दोस्तों, नॉन ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर मिलता है, साथ में वैनिटी मिरर मिलता है और लाइट ही मिलती है। ऐसा बताइए कितनी गाड़ियों आपने देखा है सेगमेंट की, जितनी सारी चीजें मिलती हैं। और जैसे आप राइट घुमाएंगे तो राइट का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, लेफ्ट घुमाएंगे स्टीयरिंग को तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। भर भर के फीचर दे रखे हैं दोस्तों, बस यही एक चीज बाकी रह गई है कि आप गाड़ी को बोलो पीछे लेट के गाड़ी चल भाई वहां ले चल मुझे, और आपको स्टीयरिंग वगैरह ना घुमाना पड़े, गियर चेंज ना करने पड़े। बस वही एक कहते हैं ना, बस ऑटो पायलट वाली चीजें बची हुई है बस, जो टेस्ला वाली है ना, तो भर भर के फीचर दे रखे हैं, तुरंत प्रभाव से फैन हो जाओगे इस गाड़ी के, इतनी बेहतरीन गाड़ी है। हल्का सा मैंने कंपेयर भी करके दिखा दिया आपको कि पुराने मॉडल में और नए मॉडल में क्या क्या चीजें मिलती हैं या क्या चीजें नहीं मिलती हैं, तो उस चीज का भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। यदि फिर भी आपको लगता है कोई जानकारी बच गई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई दिया जाएगा आपको। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।